ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो और ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा सीखेंगे और लास्ट में हम चेक करेंगे कि अगर इसी क्वेश्चन में वो कैसे, जो एग्जामिनर होता है वो कैसे मैनिपुलेट करता है, ठीक है? तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है? तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक टावर है, ठीक है, और उस टावर का जो टावर के जो फुट की एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो गिवन है। पहले पॉइंट से उसकी फुट और टावर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर है, और दूसरे पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है, 9 मीटर है, ठीक है? ये क्वेश्चन में बोला हुआ उसने, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कंप्लीमेंट्री, और जो इनमें जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वो एंगल है कंप्लीमेंट्री, ठीक है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो बोला कि जो हाइट ऑफ टावर है, यानी उसने ये पूछा है कि हाइट ऑफ टावर है 6 मीटर, ये प्रूव करना है, ठीक है? तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हाइट ऑफ द टावर, यानी अगर इसको मैं ए और इसको बी बोल देता हूँ तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 6 मीटर प्रूव करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब नामकरण कर लिया हमने ए बी सी, और ये हो जाएगा मेरा डी पॉइंट, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन में खास क्या है, जो सबसे इस क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट बनाता है वो चीज़ है कि जो एंगल्स हैं। अब लास्ट में क्या था, जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें एंगल्स गिवन थे, 30 डिग्री था, 45 था या 60 था, पर इसमें बोला कि एंगल उसने गिवन नहीं है, पर उसने एंगल के बीच में कंडीशन बताई है कि वो कंडीशन क्या है, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहे हैं वे कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम, जो टू एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है? तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है? दोनों का सम करूँगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है? ये इस क्वेश्चन की खास बात है, ठीक है? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो है सबसे पहले तो राइट एंगल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जरूर याद रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, अपोन में बी सी इक्वल टू कितना है, ये बन जाएगा आपका 10 90 माइनस थीटा, ठीक है? तो परपेंडिकुलर अपोन बेस बन रहा है, ए बी है हमें फाइंड करनी है, बी सी कितना है, बी सी है उसका 4, और आपको पता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फार्मूले थे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा। तो ये मेरी पहली इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? सेकेंड इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो सेकेंड के लिए क्या करें, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, तो इसमें क्या है, ए बी अपोन में क्या है, बी डी, पीने वाली नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है? अभी ए बी, ठीक है, बी डी कितना है, बी डी 9 है, ठीक है, और 10 थीटा एज इट इज़, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, दोनों जो मेरे पास दोनों इक्वेशन आई है उनकी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इक्वेशन वन की और इक्वेशन टू की मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है? आपको लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9 इज इक्वल टू 10 थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है? अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में 36, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 थीटा और कोट थीटा की मल्टीप्लाई। सुपर हेक्सागन का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखें और वहाँ से इसके जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं वहाँ से बनाना सीखें और लर्न करें, ठीक है? तो ये हो जाता, ये आपकी वैल्यू होती है 1, ठीक है? तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा इधर लाके। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस 6 आएगा। आपको पता है कि जो हाइट होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, ये आ जाएगा आपका हाइट ऑफ टावर विल बी 6 मीटर, हैंस प्रूफ, थैंक यू। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर इन क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट करता है। तो आपको वो छोटी सी चीज़ चेंज करेगा और उसी को आपको कैच करना होता है। जैसे यहाँ पे नंबर्स गिवन थे कि जैसे 4 मीटर था, 9 मीटर था, तो यहाँ पे उसने 6 मीटर पूछ लिया, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे वो इसकी जगह 4 मीटर की जगह जैसे मान लो क्यू दे देगा, यहाँ पे उसने पी दे दिया, तो यहाँ पे फिर वो आपसे पूछेगा अंडर द रूट पी क्यू, ठीक है?
कि उसकी एक पॉइंट से हाइट, उसकी डिस्टेंस है क्यू, एक दूसरे से उसकी डिस्टेंस है पी, तो ये बताइए कि उसकी जो प्रूव कीजिए कि उसकी जो टावर की हाइट है ना पी क्यू, रूट पी क्यू हो गए। यहाँ पे जैसे वो दे देगा ए, ठीक है, ये दे देगा बी, तो यहाँ पे वो पूछ लेगा आपसे ए बी, प्रूव करा लेगा कि वो हाइट ऑफ टावर रूट ए बी होगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मैनिपुलेशन होते हैं जो एग्जामिनर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।